हाय गाइस, मैं आपका दोस्त बादल आपके लिए लेकर आया हूँ नई खबर रीप की तरफ से, रीप राजस्थान। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को जो है कुछ बताना चाहूँगा जो बच्चे जेई के अंदर अभी अपीयर नहीं हुए हैं, जेई मेन के अंदर किसी भी सेशन के अंदर अपीयर नहीं हुए हैं, तो वो अपने पास थोड़ा पानी पुनी जो है पी के थोड़ा एकदम ध्यान से बैठे, क्योंकि उनका थोड़ा झटका लगने वाला है, बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। ठीक है, तो अपने थोड़ा हार्ट वगैरह का थोड़ा पेशेंस रखे, ध्यान रखे। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार जो है 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं हो रहा है, एडमिशन जो होगा वो जेई के बेसिस पे होगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है राजस्थान के बच्चों के लिए कि ऑलमोस्ट बच्चे जो है 60% बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं, जो भी लोकल कॉलेजों के अंदर बच्चे पढ़ते हैं, जैसे लाइक जो भी लोकल कॉलेज है जैसे नागौर है, सीकर है, लोस्टल है, शेखावटी के जो बच्चे हैं वो जेई का एग्जाम नहीं देते हैं लगभग, लेकिन सभी को इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेना होता है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन लेना होता है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। कुछ बच्चे गाँव से भी बिलोंग करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि जेई मेन क्या होता है, तो इस बार उनके लिए ये बहुत ही बुरा ऑप्शन है कि उनका जो है सिलेक्शन, उनके लिए शायद कोई उपाय निकाला जाए, ऐसी शायद कुछ किया जा सकता है। जैसे अगर हम देखें तो रीप की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है, अखबार के अंदर दैनिक भास्कर के अंदर जरूर अपडेट आया था कि जो है राजस्थान परीक्षाएं जो है कंडक्ट की जाएगी, और जैसे ही अब 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज ऑफलाइन ओपन हो रहे हैं तो जल्द से जल्द इसके लिए निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फर्स्ट तो ये है कि इस बार 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं किया जा रहा है। मेरा खुद का जो छोटा भाई है वो RBSC से पढ़ रहा था इस बार, तो उसके जो है 99% आए हैं भी, 99%। ठीक है, और LN ग्रुप के अंदर, शिखर पुंस ग्रुप के अंदर 99-98%। अगर ओनली फॉर LN ग्रुप के बच्चे भी पार्टिसिपेट करें तो MPM और RTU कोटा के तो सारी सीटें भर जाएगी, तो बच के वो क्या करेंगे। तो इस बार जो है ये जो है 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन नहीं हुआ। हाँ, ये एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जस्ट पिछले साल जो ऐसा हुआ था कि जो भी सीटें बच गई थी RTU कोटा में, स्पेशली यही बात है कि जो सीटें बच गई थी लास्ट राउंड के अंदर, बच्चों को वहाँ पर कैंपस के अंदर बुलाया गया, वहाँ पे बच्चों के डिमांड ड्राफ्ट वगैरह 200 रुपये का, लगभग 250 रुपये तक का लिया गया था उनसे चार्ज, वहाँ पे जो बैंक से चालान कटाया उन्होंने, फिर वहाँ पे अप्लाई किया, परसेंटेज वाइज जो है उनको लास्ट में जो भी एडमिशन बचे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो या फिर जो भी ब्रांच थी, उसके अंदर डायरेक्ट एडमिशन दे दिया गया था पिछले बार तो। लेकिन शायद इस बार ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिन बच्चों को एडमिशन लेना था गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, वो उन्होंने 12th जो है 12th के अंदर अच्छे परसेंटाइल आई है इस बार, सभी के अच्छे आए हैं, लेकिन जेई के अंदर अपीयर नहीं किया है, तो या फिर अगर किसी ने अपीयर किया है तो जो है एडमिशन हो नहीं पा रहा है इस ट्रीप के अंदर, तो होगा नहीं, ओबियसली बात है, तो फिर क्या किया जाए, वो एडमिशन कहाँ ले, DU वगैरह में ऐसे ही रैंक बहुत हाई होती है। तो कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं जो कि आउट ऑफ राजस्थान भी हैं, प्राइवेट को मैं रिकमेंडेड नहीं करता बिल्कुल भी, और ना ही मैं किसी प्राइवेट का जो है एडवर्टाइजमेंट करता, ना ही मैं किसी प्राइवेट कॉलेज को बुरा बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेज हैं जैसे लाइक गुजरात हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, तो आप मेरे चैनल पर वीडियोज देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग एडमिशन के, अगर आपने जेई वगैरह नहीं दिया हो तो नीचे एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन 99% श्योरिटी है कि इस बार जो एडमिशन है वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, और जस्ट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के पास अगर इतने ही पैसे नहीं हैं कि वो जस्ट अपना डोमेन तक परचेज नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को ये बताना चाहिए आप लोगों को कि जस्ट आप जो लोग जो है ये डोमेन वगैरह परचेज करना छोड़ दें, और बच्चों की जो एजुकेशन वेबसाइट है वो सिंपली तुम लोग जो है ना ग्लोब स्पॉट पे लॉन्च कर दिया करो। ठीक है, एक लगभग 3 से 4 महीने हो गए इन लोगों से, अभी तक जो है वेबसाइट तक पोस्ट नहीं हो पाई है, तो ये जस्ट बहुत ही बुरा पॉइंट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल सर्विसेज जो है बिल्कुल कंटेंट अच्छा रहना चाहिए, इनकी जो ध्यान देना चाहिए थोड़ा सारे, इट्स नॉट गुड। ओके, तो ये वेबसाइट वगैरह होस्ट रखनी चाहिए इनको, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है दिस डोमेन इज फॉर सेल परचेज कॉल बाय नाउ दिस नंबर। ठीक है, तो ये जस्ट इनका जो मेल है, यहाँ पे जस्ट लीप के अंदर BTech के एडमिशन होते हैं, और ये अलग अलग ब्रांचों के अंदर एडमिशन होते हैं, जैसे लीप के अंदर इसे होते हैं या 2020 का जो एडमिशन रिगार्डिंग है, इस बार के लिए कोई अपडेट नहीं आया है इस रीप के रिगार्डिंग, तो अभी तक राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर एडमिशन प्रोसेस नहीं हो रहा। और जो बच्चे आउट ऑफ राजस्थान ये देख रहे हैं वीडियो, तो उन लोगों को बता दूं कि जैसे रीप का मतलब होता है राजस्थान स्टेट की जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं उनका एडमिशन जो है वो रीप के थ्रू कंडक्ट होता है,
ओके, तो यू कैन ट्राई इट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, खूब पढ़िएगा, बहुत कम मजा करिएगा। इस बार 12th के मार्क्स पे नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे डोटासरा के नंबर किसी काम के नहीं आए, सभी को 99% 98% खूब भर भर के नंबर दिए हैं डोटासरा जी, खूब बहुत बहुत धन्यवाद डोटासरा जी का कि आपको इतने इतने अच्छे अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। अपनी मार्कशीट को बहुत संभाल के रखिएगा कि मार्कशीट के नंबर कहीं आपके इस बार शायद काम नहीं आने वाले, हो सकता है आपके आगे भविष्य में काम आए, आपको मोटिवेट करे कि हमारे बस ऑनलाइन बिना एग्जाम के इतने इतने नंबर आए हैं, हमारा एडमिशन नहीं हुआ है, ये जस्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, लव यू। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो आपको फिर से स्क्रॉल करते हुए अपडेट के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।